स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट वन का एक टॉपिक है प्रेपोजिशंस, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. प्रेपोजिशन अगर हम देखें, ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है. प्रेपोजिशन होता क्या है, सबसे पहले तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसकी समझ नहीं होगी, उसकी डेफिनेशन आपको पता नहीं होगी, तो आप प्रेपोजिशंस कर नहीं पाएंगे. प्रेपोजिशन क्या होता है, अगर हम इस वर्ड को तोड़ें, इसको तोड़ के देखें, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन. प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन मीन्स किसी चीज़ की लोकेशन, कि वो जगह को, वो किस जगह पर कोई चीज़ हो रही है उसके बारे में वो बताता है. अब प्रेपोजिशन तो हमें पता चल गया कि कोई चीज़ पहले हो रही है और वो लोकेशन भी बता रहा है, पर किस चीज़ की लोकेशन के बारे में वो बात कर रहा है. तो प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन बताता है, रिश्ता बताता है किसके बीच में. प्रोनाउन और नाउन का जो रिलेशन है सेंटेंस में, जो दूसरे वर्ड हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, वो उनके बारे में बताता है. इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ इन द क्लास. ही जो है यहाँ पे एक वो है प्रोनाउन, ही प्रोनाउन है, और क्लास यहाँ पे एक नाउन है. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो प्रेपोजिशन है वो बताता है रिलेशनशिप प्रोनाउन का और नाउन का, जो है बाकी वर्ड्स जो है सेंटेंस में उनके साथ क्या है. ही इज़ इन द क्लास, इन यहाँ पर हमारा क्या है, वो प्रेपोजिशन है. तो प्रेपोजिशन क्या बता रहा है, ही का रिलेशन क्लास के साथ क्या है ये बता रहा है. तो ये क्या हो गया हमारा, एक प्रेपोजिशन. अगर हम वैसे देखें तो प्रेपोजिशन को हम तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, समझने के लिए और ईजी करने के लिए. पहला, प्लेस, कि किस जगह में कोई चीज़ होती है तो किस जगह पे हो रही है उसके बारे में हमें पता चलता है. दूसरा, कब, किस टाइम पे वो चीज़ हो रही है. और तीसरा, किस डायरेक्शन में या किस दिशा में वो चीज़ हो रही है. अब हम प्रेपोजिशंस को वन बाय वन समझते हैं. सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में अगर हम बात करें, तो सबसे पहली जो प्रेपोजिशन है वो है हमारी ऑन. ऑन हम प्रेपोजिशन कहाँ लगाते हैं ये समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है. ऑन जो लगाते हैं हम, वो लगाते हैं हम डेज ऑफ वीक के साथ, और हम ऑन लगाते हैं डेट्स के साथ. अब एक एग्जाम्पल अगर मैं इसका समझाऊं आपको, ही वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे. तो यहाँ पर हमने किसकी बात करी, एक दिन की बात करी. ये दिन क्या है, ये एक वीक का दिन है, मंडे. और इसी को अगर हम देखें दूसरे वे में समझें, ही वेंट टू दिल्ली ऑन 10th फेब्रुअरी. तो 10th फेब्रुअरी क्या हुई, ये एक डेट हो गई. तो इस हम जो ऑन लगाएंगे वो हम लगाएंगे डेज ऑफ वीक के साथ और डेट्स के साथ. अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो हम समझेंगे वो है हमारी इन. अब इन जो प्रेपोजिशन है वो हम कहाँ लगाते हैं, इन प्रेपोजिशन हम लगाते हैं मंथ्स के साथ, सीजन्स के साथ, ईयर के साथ, और इन जो लगाते हैं हम, वो लगाते हैं पार्ट ऑफ डे के साथ, पार्ट ऑफ द डे. और इन जो हमारा लगता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब सबसे पहले अगर हम देखें मंथ के साथ, ही माई बर्थडे, माई बर्थडे फॉल्स इन जुलाई मंथ. तो यहां पे इन क्या है, वो एक मंथ है. अब सीजन की अगर बात करें हम, इन समर. और अगर हम ईयर की बात करें, इन 1981. तो
क्या है? इन प्रेपोजिशन हमारा जो है मंथ के साथ, सीजन के साथ और ईयर के साथ हम यूज करते हैं. दूसरा आया पार्ट ऑफ द डे. तीन पार्ट्स होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून. उनके साथ हम क्या लगाते हैं? इन. मैं कहती हूँ आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये क्या हुआ? एक पार्ट ऑफ डे हुआ, तो इसलिए उसके साथ मेरा क्या लग जाएगा? इन. अब नेक्स्ट हम अगर देखें, मैंने बताया आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कुछ टाइम बाद. जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, आई विल सी यू इन हाफ एन आवर, कि मैं तुमसे कब मिलूंगी? आधे घंटे के बाद. अब अगर हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करें, तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारी एट. एट कहाँ लगता है? एट लगता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. इसका मतलब हुआ कहीं जहाँ पर पक्का टाइम हमें दिया होगा, पक्का टाइम पता होगा, तभी वहाँ पर हमारा आएगा एट. जैसे एट 9 AM, तो एक पक्का टाइम जो दे दिया 9 AM. और अगर मैं एग्जाम्पल के एक आपको दूँ, तो आप इसमें बोल सकते हो आई विल सी यू शार्प एट 8 इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह शार्प 8 बजे मिलूंगी. तो जब पक्का टाइम दिया हो वहां पर हमारा आएगा एट. नेक्स्ट प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें, वो प्रेपोजिशन है हमारी सिंस. अब सिंस जो लगता है, सिंस भी हमारा लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां पर हमें पक्का टाइम दिया होगा वहां पर हमारा लगेगा सिंस. जैसे मैं कहती हूं ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे. अब यहां पर पक्का टाइम जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? पक्का टाइम दिया हुआ है. कब से दिया हुआ है? कब से वो काम कर रहा है? मंडे से वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है. जब पक्का टाइम दिया हो तो वहां पर क्या आएगा? आपका सिंस आएगा. अगर हम अपनी नेक्स्ट प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, उसकी बात करें, तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा फॉर. अब फॉर कहां लगता है हमारा? फॉर लगता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ. मैं कहती हूँ कि वो 2 घंटे से काम कर रहा है. अब 2 घंटे से काम, वो तो पक्का पता नहीं है मुझे, वो 2 घंटे कौन से हैं? मॉर्निंग के हैं, आफ्टरनून के हैं या इवनिंग के हैं? जब यहाँ पर मुझे पक्का टाइम पता नहीं होगा तो वहाँ पर क्या आएगा? फॉर. फॉर एग्जाम्पल ही इज वर्किंग फॉर 4 hours. वो कितने घंटे काम कर रहा है? 4 घंटे काम कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता वो 4 घंटे कौन से हैं, मॉर्निंग के हैं, आफ्टरनून के हैं या इवनिंग के हैं. नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो है हमारी, वो है हमारी आफ्टर. आफ्टर प्रेपोजिशन कहाँ लगती है हमारी? आफ्टर प्रेपोजिशन लगती है हमारी एट लेटर टाइम देन. मीन्स कोई टाइम बाद में हम बात करते हैं, कुछ टाइम के बाद. जैसे मैं कहती हूँ आई विल सी यू आफ्टर कॉलेज, मैं तुमसे कब मिलूँगी? कॉलेज के बाद मिलूँगी. तो ये जो हमारी प्रेपोजिशन थी, ये टाइम की प्रेपोजिशन थी. एक और हम प्रेपोजिशन की बात करें अगर, तो वो प्रेपोजिशन है हमारी टू और पास्ट. अगर हम टाइम देखते हैं, हम हमेशा टाइम देखते हैं. जब हम टाइम देखते हैं तो टाइम, जब टाइम के अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि कहाँ पर टू लगेगा और कहाँ पर पास लगेगा. जैसे मैं कहती हूँ 3:05 हो चुके हैं, तो 3:05 हो चुके, 3 तो बज चुके, तो ये क्या हो गया? मेरा पास्ट हो गया. तो मैं बोलूँगी 3 past 5 minutes. और
या मैं इसको बोल सकती हूँ थ्री पास्ट फाइव। या अगर मैं बात करूँ कि चार बजने में 15 मिनट रह गए हैं तो मैं उसके लिए बात करूँगी 15 मिनट्स टू 4। मीन्स अभी चार बजे नहीं हैं, चार बजने में अभी 15 मिनट हैं, तो इसके लिए 2 लगेगा। और जब हो चुका है टाइम, बीत चुका है, तब हमारा आएगा पास्ट। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है हमारी फ्रॉम और टू। अगर हम देखें, अब अगर हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करें, फ्रॉम कहाँ लगता है और टू कहाँ लगता है। फ्रॉम लगता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, और टू लगता है एंडिंग पॉइंट, टू एंड पॉइंट। मैं कहती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसे समझें, द कॉलेज opens from 9:30 AM to 4 PM। तो यहाँ पर open कब हुआ, starting point हो गया वो, और close कब हुआ, वो हमारा हो गया ending point। तो ये थे हमारे preposition of time। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की, तो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस में सबसे पहली जो प्रेपोजिशन है वो है इन। अब इन कहाँ लगता है, इन लगता है हमारा कोई चीज़ अगर कहीं अंदर है और उसमें मूवमेंट हो रही है तो हमारा इन लगेगा। जैसे स्टेट इनसाइड समथिंग, मैं कहती हूँ बुक। अगर हम एग्जांपल लें इसका, एक बुक इज इन द बैग। बुक जो है वो बुक कहाँ है हमारी, बुक हमारे बैग के अंदर है, तो वहां पर क्या लगेगा हमारा इन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं, वो क्लास के अंदर हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन अगर हम बात करें, वो प्रेपोजिशन है हमारी एट। एट जो लगता है हमारा, एट लगता है हमारा किसी स्पेसिफिक पोजिशन की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक पोजिशन की अगर हम बात करें तो क्या है, ही इज एट होम। कहाँ पर है वो, घर पे है, ठीक है। या मैं कहती हूं ये कोई पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन की हम बात करेंगे तो वहां पर हमारा एट लगेगा। वो इवेंट के उसमें। प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारी ऑन। ऑन जो लगती है प्रेपोजिशन, वो लगती है हमारी पोजीशन अव। कोई चीज कहीं है उसके लिए हमारा क्या लगता है, ऑन। पोजीशन अब अगर मैं बात करूँ, जैसे ये पेन है, ये पेन मैंने रख दिया, ये किसके ऊपर रखा हुआ है, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है। या ये पेपर की बात करूँ, ये किसके ऊपर रखा हुआ है, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो इसके लिए मेरा क्या आएगा, ऑन। पेन इज ऑन द टेबल। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होगी तो उसके लिए मेरा आएगा ऑन। दूसरा चीज़, अब इन कॉन्टैक्ट विद, अब वही चीज, पेन किसके कॉन्टैक्ट में है, टेबल के कॉन्टैक्ट में है, तो भी क्या आएगा मेरा, ऑन आएगा। नेक्स्ट, फॉर सर्टेन साइड्स, लेफ्ट और राइट, मैं कहती हूं हाउस इज on the left side of the park। घर कहाँ है, किसके लेफ्ट साइड में है, वो पार्क के लेफ्ट हैंड साइड में है, क्या है, घर है। नेक्स्ट ऑन जो लगेगा वो द स्टेट और प्रोसेस ऑफ,
प्रोसेस ऑफ कि कोई चीज जो है वो किस पोजीशन में है, किस स्टेट में है। जब मैं कहती हूँ ही इज ऑन लीव, किस स्टेट में है वो, लीव में है, ठीक है। या मैं कहती हूँ द हाउस इज ऑन, द हाउस इज ऑन फायर, घर पे क्या लग गई है, आग लगे, किस स्टेट में है वो, आग की। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसी को ही, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, उसी में अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारी बिसाइड। बिसाइड या बाय, ये दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। ये लगती है हमारी जब कोई चीज़ हमारे क्लोज हो या हमारे पास हो तो वहाँ पर हमारा लगता है बिसाइड। मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, माई फ्रेंड इज सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड मी मीन्स वो क्या है, मेरे क्लोज ही बैठा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अगर प्रेपोजिशन देखें वो है अमंग। अमंग हम तब लगाते हैं जब हम दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा आता है अमंग। दो लोगों की बात होगी तो वहाँ लगेगा बिटवीन, दो से ज़्यादा की बात होगी तो वहाँ लगेगा अमंग। तो यहाँ पर ये हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स among the children, कि ये जो चॉकलेट्स हैं ये किन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बच्चों में। तो दो बच्चे नहीं हैं, बच्चे जो हैं वो दो से ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लगाएंगे among। अब नेक्स्ट हम प्रेपोजिशंस की बात करें, वो है हमारी प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस। फर्स्ट प्रेपोजिशन जो है वो है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है कोई एक चीज़ जो स्टार्ट हुई, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका एक एंडिंग पॉइंट है। एक स्टार्टिंग पॉइंट से जब एंडिंग पॉइंट में हम जाएंगे, मींस उसके अंदर से होके जाएंगे, जैसे हम एक टनल की बात करते हैं, एक टनल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा, उसके अंदर से जब हम जाएंगे तो उसके लिए हमारा लगेगा थ्रू। अगर एक एग्जाम्पल में बताऊँ, यू कैन रीच दैट प्लेस थ्रू दिस जंगल, मीन्स आपको ये जंगल पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा उस जगह पहुंचने के लिए, तो वो क्या होगा, वहां पर हमारा क्या लग जाएगा, थ्रू। नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो है हमारी वो है टू। टू मीन्स इन डायरेक्शन टूवर्ड्स अ पर्सन, किसी तरफ, किसी जगह की तरफ को आपको जाना है तो वहां पर आपका आएगा टू। एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं कहती हूँ गो टू बेड, तो किस डायरेक्शन में आपको जाना है, बेड की डायरेक्शन में जाना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्रेपोजिशन की, वो है ऑन टू। अब आप बोलोगे मैम आपने ऑन बताया, अब ऑन टू, अब तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ऑन वहाँ लगेगा जहाँ मूवमेंट नहीं होगी, है तो वो भी किसी चीज़ के ऊपर है, जैसे ये पेन है, ये इस डेस्क टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, इस डेस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन लगेगा। लेकिन जब कोई चीज़, सपोज एक बिल्ली ने जंप किया, सरफेस से कहाँ जंप किया, टेबल के ऊपर, जब उसने वो जंप किया, जब उसमें मूवमेंट हुआ, किसी चीज़ के ऊपर वो आया, तो उसमें क्या लग जाएगा हमारा, ऑन टू। ये डिफरेंस है ऑन में और ऑन टू में, तो ये क्लैरिटी अपने माइंड में रखना। तो यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल है द कैट जंप ऑन टू द टेबल, तो यहाँ पर कैट ने जंप किया, कैट ने मूवमेंट किया, इसीलिए यहाँ पर हमारा आएगा ऑन टू। अब नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है, लास्ट प्रेपोजिशन, वो है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मीन्स किसी चीज़ की तरफ को जाना, किसी डायरेक्शन की तरफ को जाना, किसी चीज़ के क्लोज जाना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं, ही इज
going toward east direction. He is going towards east. वो किस direction में जा रहा है? East की direction में जा रहा है. और एक और example अगर हम देखें, he is going towards the house. किसकी तरफ को जा रहा है वो? किस direction में या किसके close जा रहा है वो? घर के पास जा रहा है. तो ये है, ये थे सारे prepositions. थैंक यू सो मच.